बहुत समय पहले किसी गांव में कावेरी नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ और तीन सौतेली बहनों के साथ रहती थी। तीनों बहनें रोज सुंदर कपड़े पहना करती थी। दूसरी तरफ सौतेली माँ हमेशा कावेरी को फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए देती थी। माँ, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। इस समय पास वाले जंगल में खास तरह की सब्जियाँ उगती हैं। अगर हम वो सब्जियाँ लाकर बाजार में बेचें तो हमारी बहुत कमाई हो सकती है। अरे लेकिन इतनी बारिश में सब्जी लेने वहाँ कौन जाएगा? सांप और बिच्छू के साथ साथ वहाँ जगह जगह पर खतरनाक दलदल हैं। इन सब खतरों में वो सब्जियाँ लाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। माँ, हमारे पास कावेरी है ना, हम उसे भेजेंगे। अगर वो जंगल में मर भी गई तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तूने बिल्कुल सही कही है। फिर सौतेली माँ कावेरी को अपने पास बुला लेती है। सुन कावेरी, पास वाले जंगल में खास तरह की सब्जियाँ उगने का समय हो चुका है, तो रोज जंगल से सब्जियाँ लेकर आना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुझे रोज सवेरे 8 बजे से पहले सब्जियाँ लेकर आना होगा। अगर तूने देर कर दी तो बाजार बंद हो जाएगा और हम सब्जियाँ नहीं बेच पाएंगी। फिर आधी रात को ही सौतेली माँ कावेरी को सब्जी लेने जंगल में भेज देती है। बेचारी कावेरी बारिश में भीगते हुए जंगल में पहुंच जाती है। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उसे खास तरह की सब्जियां दिखाई देती हैं। कावेरी टोकरी में ढेर सारी सब्जियां तोड़कर इकट्ठा कर लेती हैं। यहाँ तक आने में मैं पूरी तरह थक गई हूँ। ऊपर से भीगने के कारण मुझे बुखार भी हो गया है। पता नहीं मेरी जिंदगी में और कितने दुख लिखे हैं। उसके बाद कावेरी किसी तरह सब्जी की टोकरी लेकर वापस अपने गांव पहुंच जाती है। ये देखो माँ, मैं सब्जियां लेकर आ गई हूँ। चल जा, सब्जियां लेकर जा और सारी सब्जियां बाजार में बेचकर घर आना। अगर तूने पैसों के हिसाब में कोई गड़बड़ी की तो हम मार मार के तेरा हुलिया बिगाड़ देंगे। मैंने आज तक कभी कोई बेईमानी नहीं की, फिर भी आप सब मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। बेकार की बातें मत कर, चुपचाप सब्जियां लेकर जा। उसके बाद कावेरी सब्जी लेकर बाजार में पहुंच जाती है। वो सभी सब्जियां खास तरह की थी, इसीलिए थोड़ी ही देर में लोग सारी सब्जियां खरीद लेते हैं। सब्जियां बेचने पर कावेरी सारे पैसे अपनी सौतेली माँ के हाथ में रख देती है। माँ, जंगल जाते समय मेरी सैंडल टूट गई थी। सड़क पर चलते समय मेरे पैर में कांटे चुभ गए हैं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, दया करके मुझे एक नई सैंडल दिलवा दो ना। अरे तू बड़ी महारानी है क्या, जो तुझे सैंडल के बिना चला नहीं जाता। नई सैंडल लाने की कोई जरूरत नहीं है, तू नंगे पाँव ही अपना गुजारा कर। ये बात सुनकर कावेरी को बहुत दुख होता है और वो घर के पीछे वाले हिस्से में जाकर रोने लगती है। फिर एक दिन, सुन आज सरपंच के घर पर शादी है, उसे खास तरह की सब्जियां चाहिए, तू ढेर सारी सब्जियां लेकर आना। मैंने सरपंच से पैसे ले लिए हैं, चल जल्दी जा। उसके बाद कावेरी बड़ी टोकरी लेकर जंगल में सब्जी लेने पहुंच जाती है। फिर जंगल में पहुंचने के बाद कावेरी बहुत सारी सब्जियों की टोकरी में भर लेती है और अपने गांव की ओर चल देती है। लेकिन गांव की सीमा के पास पहुंचते ही अचानक कावेरी के पैर में बड़ा कांटा चुभ जाता है। वो दर्द के मारे वही जमीन पर बैठ जाती है। तभी वहां एक गाय आ जाती है। उसके बाद टोकरी में मौजूद सारी सब्जियां हवा में उड़ते हुए गाय के मुंह में चली जाती हैं। अरे ये सब क्या है, सब्जियां हवा में उड़कर इसके मुंह के अंदर चली गई। अब मैं अपनी सौतेली माँ को क्या जवाब दूंगी। कावेरी वापस जंगल जाकर सब्जियां तोड़ने का फैसला करती है, लेकिन अचानक जोरदार मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और जंगल की ओर जाने वाली नदी में बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से पुल पूरी तरह पानी में डूब जाता है। फिर चाहकर भी कावेरी पुल पर नहीं जा पाती। उसके बाद वो मायूस होकर अपने गांव लौट जाती है। तू खाली हाथ आई है, सब्जियां कहाँ हैं? कावेरी सौतेली माँ को सारी बात बता देती है। माँ, मुझे लगता है ये हमें झूठी कहानी सुना रही है, बारिश की वजह से ये जंगल नहीं गई।
मैंने तुझसे कहा था ना कि मैंने सरपंच से एडवांस ले लिया है, अब मैं उसे सब्जियां कहाँ से लाकर दूंगी। माँ, नदी में बाढ़ आ गई है और पुल भी दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए मैं जंगल में दोबारा नहीं जा पाई। तभी वहाँ सरपंच आ जाता है, वो सौतेली माँ से सब्जियां मांगने लगता है। सब्जियां ना पाकर सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और वो सौतेली माँ से अपने एडवांस के पैसे मांगने लगता है। तीनों माँ बेटी सारे पैसे अपनी शॉपिंग में खर्च कर चुके थे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए वरना बहुत बुरा होगा तुम लोगों के साथ। देखिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप एक काम करिए, इस कावेरी को अपने घर ले जाइए, अपने घर पर नौकरानी बना कर रखिए, उसके बाद आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। सरपंच सौतेली माँ की बात मान लेता है और कावेरी को जबरदस्ती अपने घर ले जाता है। सरपंच और उसकी पत्नी दोनों बहुत जालिम हैं। वो दोनों रोज कावेरी से कमर तोड़ मेहनत करवाया करते थे। सरपंच की पत्नी कावेरी को पूरा दिन खेतों में काम करवाती थी, तेज बारिश होने पर भी कावेरी को जरा भी आराम नहीं करने देती थी। तेरी सौतेली माँ ने हमारे पैसे खाए हैं, इसीलिए जब तक हमारे पैसे वसूल नहीं हो जाते तब तक मैं तुझे चैन से बैठने नहीं दूंगी। सौतेली माँ और उसकी बेटियों ने आपके साथ बेईमानी की है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कुछ नहीं जानती, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप काम कर। अगर शाम तक तूने खेत के काम खत्म नहीं किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह बेचारी कावेरी सारे अत्याचार सहन करते हुए सरपंच के घर पर काम कर रही थी। फिर कुछ समय बाद खेत में कंकड़ी की अच्छी फसल तैयार हो जाती है। इस तरह एक दिन कावेरी खेत में पहरा दे रही थी, तभी अचानक वहां पर वही गाय आ जाती है। अरे, ये जादुई गाय यहाँ कैसे आ गई? अगर इसने खेत की फसल खा ली तो सरपंच और उसकी पत्नी मुझे जान से मार देंगी। कावेरी घुटने पर बैठकर गाय से प्रार्थना करने लगती है कि वो वहां से चली जाए, लेकिन अगले ही पल गाय एक परी के रूप में बदल जाती है। अपने आंसू पोंछ लो, मैं तुम्हारी सहायता करने यहाँ आई हूँ। मैं पिछले कई दिनों से तुम्हारे ऊपर नजर रख रही थी, सच में तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है, तुम्हारी परवाह करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके बाद परी खेत में मौजूद दो कंकड़ी तोड़कर उन पर अपनी जादुई छड़ी घुमाने लगती है। फिर अगले ही पल एक कंकड़ी सुंदर लहंगे के रूप में बदल जाती है और दूसरी कंकड़ी घर के रूप में बदल जाती है। फिर परी के कहने पर कावेरी लहंगे को पहन लेती है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर बन जाती है। तुम इस घर में आराम से रहना, ये घर तुम्हें रोज ढेर सारी जादुई सब्जियां देगा, जादुई सब्जी बेचकर तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, अगर मेरी सौतेली माँ और बहनों को इस जादुई घर और लहंगे के बारे में पता चल गया तो वो सभी मुझे मार कर इन्हें हासिल कर लेंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शहर पहुँचा दूंगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, कावेरी के साथ वो कंकड़ी का घर भी शहर में पहुंच जाता है। उस दिन के बाद से कावेरी रोज जादुई सब्जियां बेचकर ढेर सारे पैसे कमाने लगती है। फिर कुछ समय बाद कावेरी रोहन नाम के एक अच्छे लड़के से शादी कर लेती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और कावेरी अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। किसी गांव में संजना नाम की लड़की अपनी दो छोटी बहनों के साथ अपने मामा के घर पर रहती थी। संजना का मामा काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहरों में घूमा करते थे। इसी बात का फायदा उठाकर संजना की मामी संजना और उसकी दोनों बहनों पर खूब अत्याचार किया करती थी। मामी, आज मेरे स्कूल की फीस भरने का आखिरी दिन है, मुझे पैसे दे दीजिए। तुझे स्कूल की फीस भरने के लिए कभी पैसे नहीं मिलेंगे, मेरा पति मेरे लिए मेहनत करके पैसे कमाता है, तुम तीनों के लिए नहीं। अब तक जो होना था सो हो गया, अब मैं अपने पति की कमाई का एक रुपए भी तुम तीनों पर खर्च नहीं करने वाली। अगर तुझे पढ़ाई लिखाई का इतना ही शौक है तो कहीं काम कर और अपनी पढ़ाई कर। ठीक है मामी, मैं ऐसा ही करूँगी।
उसके बाद संजना काम ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगती है। फिर उसे केक की दुकान पर काम मिल जाता है। संजना उस दुकान पर काम करने लगती है। दूसरी तरफ संजना की गैर हाजिरी में उसकी मामी उसकी दोनों बहनों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। तुम दोनों आराम से बैठी बैठी क्या कर रही हो? बाथरूम में जाकर मेरे कपड़े साफ करो, बाद में तुम दोनों को पूरे घर की सफाई करनी है। मामी, हम दोनों तो बहुत छोटी हैं, हमसे इतना काम नहीं हो पाएगा। खाना खाते समय तुम दोनों मुंह खूब चलाती हो ना? खाना खाने में तुम दोनों जरा भी कमी नहीं करती। मैं कुछ नहीं जानती, तुम दोनों घर के सारे काम करने पड़ेंगे, वरना मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद मामी एक डंडा उठा लेती है। ये देख संजना की दोनों बहनें घबराकर काम करने लगती हैं। दूसरी तरफ संजना रात को घर आती है। उसे देख उसकी दोनों बहनें रोने लगती हैं। दीदी, आपकी गैरहाजिरी में मामी ने हमसे बहुत काम करवाया, इतना ही नहीं उन्होंने हमें खाना तक नहीं दिया। अपनी बहनों की बुरी हालत देख संजना को बहुत गुस्सा आता है। मामी, ये सब क्या है? आपने इन दोनों को खाना क्यों नहीं दिया? क्योंकि इन दोनों ने ठीक तरह से घर के काम नहीं किए, इसीलिए मैंने इन्हें खाना नहीं दिया। आप अच्छी तरह जानती हो ये दोनों बहुत छोटी हैं, ये ठीक से काम नहीं कर सकती, फिर भी आप इनसे काम करवा रही हो। देख, तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अगर तुझे और तेरी बहनों को इस घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा, वरना तुम तीनों इसी वक्त इस घर को छोड़कर चली जाओ। रोज रोज आपकी अत्याचार सहन करने से अच्छा है कि हम तीनों ये घर छोड़ दें। वैसे भी अब मुझे नौकरी मिल गई है, मैं आराम से अपनी और अपनी बहनों का गुजारा कर सकती हूँ। उसके बाद संजना अपनी दोनों बहनों को लेकर केक की दुकान पर चली जाती है। ये दोनों कौन है और तू इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई है? ये दोनों मेरी छोटी बहनें हैं। मेरी मामी हम तीनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है, इसलिए हमने उसका घर छोड़ दिया। क्या आप हमें दुकान में रहने की जगह दे सकती हो? सारा दिन काम करने के बाद मैं अपनी बहनों के साथ रात में यही सो जाया करूंगी। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अगर मैंने तुम तीनों को यहाँ रखा तो क्या पता तुम रात को तीनों दुकान का सामान चुरा कर भाग जाओ। मेरा यकीन करिए, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर तुम तीनों को सोना है तो दुकान बंद करने के बाद दुकान के बाहर सड़क के किनारे सो जाना। उसके बाद वो औरत दुकान बंद करके वहाँ से चली जाती है। फिर संजना अपनी बहनों के साथ दुकान के सामने सो जाती है। रात को काफी तेज बारिश होने लगती है। संजना और उसकी बहनों के पास बारिश से बचने का कोई सहारा नहीं था। तीनों बहनें बारिश में बुरी तरह भीग कर बीमार पड़ जाती हैं। अगली सुबह दुकान की मालकिन वहां आकर दुकान खोलती है। सुन संजना, आज पूरे 10 केक पहुंचाने का ऑर्डर आया है। मालकिन, कल रात हम तीनों बारिश में बुरी तरह भीग गई, जिस वजह से हमारी तबीयत खराब हो गई है। आप हमें दवाई खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। ये सुनकर मालकिन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तू जब से यहाँ काम पर लगी है तब से मेरा सर दर्द बन गया है। देख, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, तू इसी वक्त यहाँ से निकल जा, अब मैं तुझे काम पर नहीं रख सकती। ये सुनकर संजना मालकिन से मिन्नतें करने लगती है, लेकिन मालकिन उसकी एक नहीं सुनती और उसे उसकी बहनों को वहाँ से भगा देती है। दीदी, अब तो हमारे पास कोई सहारा नहीं, अब हम तीनों कहाँ जाएंगी? तुम दोनों चिंता मत करो, मैंने सुना है पास वाले जंगल में गुफा है, हम वही जाकर रहेंगे। उसके बाद तीनों बहनें जंगल में मौजूद गुफा के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन तभी अचानक गुफा के अंदर से एक खतरनाक चुड़ैल बाहर आती है। गुफा के अंदर इंसानों का आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तीनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, हमें कुछ मत करो, हम तीनों बहुत दुखी हैं, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, इसीलिए मजबूरी में हम तीनों यहाँ आई। आप हमें यहाँ रहने की इजाज़त दे दीजिए, बदले में मैं आपकी नौकरानी बनकर रहूँगी। ये बात मुझे पसंद आई, ठीक है, तुम तीनों यहाँ रह सकती हो।
उसके बाद तीनों बहनें गुफा के अंदर चली जाती हैं। अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे मोती से भरे बक्से रखे हुए थे, लेकिन संजना और उसकी बहनें उस पर जरा भी ध्यान नहीं देती। उसके बाद संजना चुड़ैल के कहे गए सारे काम चुपचाप करने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक वो चुड़ैल एक नीली परी के रूप में बदल जाती है। नीली परी को देखकर तीनों बहनों को बड़ा आश्चर्य होता है। मैं तुम तीनों की परीक्षा ले रही थी। तुम तीनों गरीबी की मार झेल रही हो, लेकिन फिर भी इतने सारी दौलत देखकर तुम्हारे मन में जरा भी लालच नहीं आया। तुम तीनों की ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं अब तुम तीनों की जिंदगी बदल दूंगी। उसके बाद नीली परी तीनों बहनों को एक जादुई झरने के पास ले जाती है। वो झरना चॉकलेट का झरना था। ये जादुई चॉकलेट का झरना है, इस चॉकलेट से तुम कुछ भी बना सकती हो। आज के बाद तुम जादुई चॉकलेट से तरह तरह की चीजें तैयार करके बेचो, इससे तुम तीनों की गरीबी दूर हो जाएगी। ये सुनकर संजना बहुत खुश होती है। उसके बाद वो झरने से ढेर सारी चॉकलेट निकालकर इकट्ठा कर लेती है। फिर संजना चॉकलेट से जादुई चॉकलेट की तरह तरह के खिलौने बनाकर बाजार में बेचने लगती है। बच्चों को जादुई चॉकलेट के खिलौने बहुत पसंद आते हैं। इस वजह से सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए चॉकलेट के खिलौने खरीद लेते हैं। उस दिन के बाद से संजना रोज ढेर सारे जादुई चॉकलेट के खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगती है। इस तरह तीनों बहनों की गरीबी दूर हो जाती है। एक बड़े स्कूल में उनका एडमिशन करवा देते हैं और इसके साथ ही वो एक बड़ा घर भी खरीद लेते हैं। फिर तीनों बहनें उस घर में सुकून से रहने लगती हैं।